तुम्हारा घूंघट हटाऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा मोहब्बत से। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, उनको पता नहीं कौन ये बताता है कि बच्चों की शादी कर दो तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बेकसूर होते हैं, कसूर तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज ऐसा मत करो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनी खेज होंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हमदान रमजानी से कहता है कि क्या तुम जानते हो ऐना मेरी बीवी है, अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि वो मेरी बीवी है, बस मैंने किसी वजह से तुमसे ये बात छुपाई थी। ये बात सुनने के बाद रमजानी कहता है कि क्या आप ये जानते हैं कि अगर गुड़िया बीवी को इसके बारे में बिल्कुल भी पता लगा तो क्या होगा, क्या हंगामा बरपा होगा। इसके जवाब में हमदान कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम नहीं बताना, लेकिन जब तक खुद पता चलेगा उस वक्त तक मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा, लेकिन अगर तुम वफादारी निभाना चाहते हो तो इस बात को अपने सीने में ही रखना। इसके जवाब में रमजानी कहता है इतनी बड़ी शादी की बात है, ये जल्द नहीं छुपेगी और इसके ऊपर आप गुड़िया बीबी से शादी भी कर रहे हैं, ये सच इतनी देर नहीं छुपेगा, ये आप भी जानते हैं। जल्द से जल्द कुछ ऐसा करें कि उनको सच बता दें। इसके जवाब में हमदान कहता है कोई सच सुनना ही नहीं चाहता, मैं तो बताने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आयमा रोती है और कहती है मेरी उस्मान से जान छुड़वाएं वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझे उसके साथ नहीं रहना। ये बात सुनने के बाद आबदा कहती है कि अगर तुम खुदकुशी कर लो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी जान अब उस्मान से नहीं छूटने वाली। नाजरीन, अब आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस मौके पर आयमा को क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को